तो अभी हम बात करेंगे कि आप किस तरह से सब टोटल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक रियल लाइफ सिनेरियो लेंगे और उसके अकॉर्डिंग सब टोटल अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी इस लिस्ट में देखो, कुछ सेल्स पर्सन है, कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ यूनिट्स है, उसकी प्राइस है और टोटल सेल कितना हुआ है वो दिया है। कि देखो अभी यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि फिल्टर किस तरह से अप्लाई करता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट में चार प्रोडक्ट है, एक है चॉकलेट, उसके बाद ब्राउनी, उसके बाद स्ट्रॉबेरी और उसके बाद वेनिलिया। तो मुझे अभी फाइंड करना है कि मैंने हर एक प्रोडक्ट में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, हम पहले इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सॉर्ट करेंगे ताकि जो भी वेनिला के प्रोडक्ट रहेंगे वो एक ऑर्डर में आ जाए, जो भी चॉकलेट है या फिर जो भी ब्राउनी है वो एक ऑर्डर में आ जाए और उसके बाद हम उसकी सम कर पाए। तो मैं प्रोडक्ट कॉलम पे यहाँ पे सॉर्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो सॉर्ट अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट है अल्ट ए एंड एस ए प्रेस करो। तो जैसे आप एस ए प्रेस करते हो वैसे ही प्रोडक्ट कॉलम पे सॉर्ट अप्लाई हो जाएगा। अभी अगर आप टीडीएस मेथड या फिर मैनुअल मेथड देखोगे कि आप किस तरह से सम कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे एक रो ऐड कर देता हूँ, सिंपल कंट्रोल प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप अल्ट इक्वल टू प्रेस करके सम करोगे। कुछ इस तरह से आपको सम करनी पड़ेगी जहाँ जहाँ पे भी आपको सम अप्लाई करनी है, लेकिन ये बहुत मैनुअल है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा सकता है, राइट। अब ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ चार ही रिकॉर्ड है तो आप मैन्युअली कर सकते हो, लेकिन मान लो कि 1000 ऑफ रिकॉर्ड है और फ्यूचर में भी इसमें से डेटा ऐड भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ सेल पर्सन ऐड हुए, नहीं सर सेल्स पर्सन आए, तो इसमें डेटा और ऐड भी हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप मैन्युअली करोगे तो बहुत टीडियस होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। तो पहले इसको हम इसको अंडू कर देते हैं। तो इसको हमने अंडू कर दिया है, अभी मुझे इसकी सब टोटल निकालनी। तो सब टोटल के लिए अगर आप डेटा टाइप में जाओगे तो सबसे लास्ट सेक्शन में आपको आउटलाइन दिखेगा और आउटलाइन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब टोटल का। सिंपल उस सब टोटल पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप सब टोटल पे क्लिक करो वैसे ही आपको एक सब टोटल का डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एट ईच चेंज। तो आपको पूछ रहा है कि आपको कौन से वैल्यू में चेंज होने के बाद टोटल करनी है। जैसे कि मुझे प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद सम करनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि आपको जैसे ही वो वैल्यू चेंज होती है वैसे आपको क्या करना है, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्स मीन प्रोडक्ट क्या करना है। तो मुझे यहाँ पे सम करनी है, तो मैं सिंपल सम पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद वो पूछता है कि आपको जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो वो किसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो मुझे सेल्स के ऊपर ये पूरे ऑपरेशन करने हैं, तो मैं यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके प्रेस कर दूंगा वैसे ही वो अपने आप सब टोटल कर लेगा कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो चॉकलेट की कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, वैसे ही ब्राउनी के लिए, वैसे ही स्ट्रॉबेरी और वेनिला के लिए, और मुझे वो ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे दिखा रहा है। कुछ इस तरह से आप सिंपल एक क्लिक में, एक्चुअली दो क्लिक में सब टोटल कर सकते हो। और आपको एक बोनस टिप बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे जो डिटेल भी है वो नहीं दिखना, मुझे सिंपल दिखना है कि चॉकलेट का रेवेन्यू कितना हुआ है, ब्राउनी का रेवेन्यू कितना हुआ है, स्ट्रॉबेरी का रेवेन्यू कितना हुआ है। तो अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग की हुई है। तो जैसे ही मैं थर्ड पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे पूरा डेटा दिखाएगा जो मुझे अभी दिख रहा है। अगर मैं टू पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा को अनग्रुप कर देगा, तो मुझे ओनली चॉकलेट में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ब्राउनी में कितना है, उतना ही दिखेगा। और अगर मैं प्लस पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे ओनली ग्रैंड टोटल ही दिखाएगा, ठीक है। अगर मुझे फिर से एक्सपांड करना है तो मैं फिर से एक प्लस टू पे क्लिक कर देता हूँ तो टू का रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर मुझे ओनली स्ट्रॉबेरी में कितना जनरेट हुआ है रेवेन्यू उसको मैं डिटेल में देखना है, तो मैं सिंपल इसको एक्सपांड कर लेता हूँ, स्ट्रॉबेरी का जो भी डेटा है वो मुझे डिटेल में दिखा देगा। एक बार मैंने देख लिया, मैं इसको मिनिमाइज भी कर सकता हूँ और कोई और डेटा को एक्सपांड भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप सब टोटल का यूज कर सकते हैं। तो अभी तो हमने सब टोटल ऐड कर दिया, अगर हो सकता है कि आपको सब टोटल रिमूव करनी है बाद में, तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो सिंपल एक बार आप सब टोटल फिर से एक बार जाओ, उसके लिए शॉर्टकट है अल्ट ए एंड पी, और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव ऑल। आप सिंपल रिमूव ऑल पे क्लिक कर दो तो ये सब टोटल रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरह से सब टोटल को रिमूव भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करो और इस सब टोटल को आप किस तरह से आपके डेटा में यूज कर सकते हो इसके बारे में प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।